किसान वीरो सत श्री अकाल। आ जिहड़ी तुसी फसल देख रहे हो ये अपनी देसी कपाह की फसल है, क्योंकि बीटी कॉटन या बीटी कपाह आपां कह सकते हैं या नरमा, वो आपां बहुत टाइम तो खेती कर रहे हैं। देसी कपाह जिहड़ी आपां पहलां बीजदे सी वो बीजनी छड्डती सी आपां, क्योंकि बीटी कॉटन दे विच ज़्यादा आपां नूं झाड़ मिलण लग गए सी, ते उहदा फायदा इह सी वी चूगणा सौखा सी, थल्ले नहीं झड़दा सी। पर हुण पिछले 2-3 सालां दे विच होया की है वी बीटी कॉटन दे विच बहुत प्रॉब्लम आउण लग गईआं, वी वाइट फ्लाई भी हुण बहुत खराब कर दिंदी है, ते गुलाबी सुंडी का भी हमला होण लग गया। एक उहदी विल्टिंग की भी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है बीटी कॉटन की, तां करके इस बारी जिमीदारां ने बहुत कोशिश करी सी भी आपां, क्योंकि पिछले 2-3 सालों तो पूरा नरमा वो झाड़ नहीं दे रहा, खराब हो रहा, तो भी आपां देसी कपाह बीजिए, तां इहदा इस बारी बीज नहीं मिलिया सी, आपां नूं बीज मिल गया सीगा ते आपां बीजी हुई है कपाह। दसांगे तुहानूं कदों बीजी है, किवें की रिपोर्ट है इहदी। तो जे तुसीं चैनल ते नवें हो तां चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो में शेयर कर दियो। ये अपना शक्तिवर्धक दी KR64 बी जिहड़ा पूरा मशहूर है, इस बारी मिले ही नहीं गा ये, क्योंकि पहला कपाह बीजी दी नहीं सी कंपनी, उस हिसाब नाल बी बनाउंदी है, तो इस बारी इकोदम डिमांड आ गई, तो तां करके बी दी शॉर्टेज तो आनी सी, क्योंकि हरेक जिमीदार दा सीगा वी मैं कोई 2-3 बीघे आ थोड़े थां दे विच कपाह भी जरूर बीजा, क्योंकि इहदा फायदा यह हुंदा है वी कपाह की एक तां जड़ बहुत डूंगी जांदी है, बीटी कॉटन की जड़ उत्ते रह जांदी है, तां करके उहदे च विल्ट की दिक्कत भी आउंदी है, होर दिक्कतां भी आउणियां, पानी भी ज़्यादा चाहिए है। ये आपां 21 अप्रैल की बिजाई कीती सी कपाह की, तो दूजा पानी हुण लाया इहनूं, तो बड़ी शानदार खड़ी है, लगभग 7-7 फुट हाइट हैगी है, टिंडे लगे पे उत्तों लैके थलों ताईं, थलों खिड़ भी रही है, फुट भी सोहना इहदा। इहदी एक होर खासियत हुंदी है भी अपना जिहड़ा बीटी कॉटन हुंदा है, नरमा हुंदा, उहदे टिंडियां दा मूँह तां नूं हुंदा, तो इहदे टिंडियां दा मूँह थले नूं हुंदा, इहदे फुट भी थले नूं होके खिड़दे है, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਜਾਂ ਤੇਲਾ ਤੂਲਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰਿਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਬੂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅਤੇ 7-7 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤਾਈਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਪ੍ਰੋਕਲੈਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, 1 ਪਰਮਾਸੈਕਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਲੈਮ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਸੈਕਟ ਪ੍ਰੋਕਲੈਮ ਲਿਕੁਇਡ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਸੈਕਟ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਰੇਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੱਲੇ 1 ਗੱਟਾ ਸੁਪਰ ਦਾ ਅਤੇ 1/2 ਗੱਟਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰ 'ਤੇ 1/2 ਗੱਟਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 5-6 ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, 5-6 ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਰਮਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਸੰਡੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰੈਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ
पर जे आप हफ्ते तो 8 दिन तो मोड़ी जावे स्परे तो अपने कपाह नू कोई दिक्कत नहीं होंगी गी। कई कहिंदे भी ट्रैसर नाल कपाह वाली हुंदी है, ट्रैसर नाल नहीं हुंदी गी, इहो जिहा कोई लॉजिक नहीं गा। ट्रैसर दा इन्ना भी ट्रैसर नाल सुंडी मर जाती है, तां करके आप कहने क्योंकि ये सुंडी जे आप बचा ली बाकी आपां नू कोई लोड़ नहीं हुंदी गी। इहदी जड़ बहुत डूंगी हुंदी है, न्यूट्रिशन बहुत थलों तां नू लै आउंदी है, ते तां करके सोलिड हुंदी है। मीह आवे नेरी आवे कोई डिगण दा खतरा नहीं, जड़ हलण दा खतरा नहीं। ते कपाह फल नाल दी नाल ही बहुत छेती छेती फल बनाउंदी है, जिवें आपां चुगाई भी शुरू हो गई ना उदों भी फल नाल दी नाल बना के ते फल पकाई जांदी रहिंदी है। ते क्योंकि ट्रैसर जिहड़ी स्प्रे करदे आ आपां उहदे नाल कोई ताकत नहीं मिलदी, इहनूं कोई झाड़ नहीं वधदा, सिर्फ सुंडी मरदी है। सुंडी मारन वास्ते आपां इहदे हल्कियां स्प्रेयां भी कर सकदे हां। आपां 4 साल पहलां बीजी सी वधिया, 5 कनालां दी अपने हो गई सीगी, 8 क्वांटल दी एवरेज आई सी, 3 बीघे सी 24 क्वांटल हो गई सी सरों कपाह सॉरी। तो इसलिए तां ही इस बारी बीजी सी क्योंकि इहदा तां बीटी कॉटन दा तां क्यों विश्वास जाहे नहीं, पिछली बारी वाइट फ्लाई ने खराब करती सी, उस तो पिछली बार पंजाब कनी गुलाबी सुंडी आ गई सी, ते इस बार भी इन्ना वधिया समा है भी नरमे दा समा, नरमे वास्ते जिहड़ा मौसम है कोई 10 सालां तो एक बारी इहो जिहा आउंदा हुंदा है जिहड़ा इस बारी आया है। क्योंकि इस बारी अगस्त च मीह नहीं पिया बिल्कुल भी, जुलाई च भी नहीं पिया, जुलाई दे अध तो बाद च हुण तां मीह नहीं पिया, पछों चली है बहुत दिन। नरमे दा फेवरेबल मौसम है इह, ते इस मौसम च भी नरमे च दिक्कतां आ रही हैं, तां मन सकदे हां आपां भी नरमे च आने वाले टाइम च किन्नी दिक्कत आ सकती है। जे आपां कपाह बीजदे हैं तां उहदा फायदा आपां नूं यही होगा भी आपां नूं सिर्फ एक सुंडी मारन की चिंता होगी, बाकी कोई टेंशन नहीं गी। ते इहदा सिर्फ चुगण दा हैगा, चुगण की भी एड्डी दिक्कत है नहीं गी, नहीं इन्नी नहीं डिगदी गी इह, क्योंकि बी हाईब्रिड बी हैगे आ, हुण डिगण वाली ज़्यादा दिक्कत है। कोई चखेड़ा चखूड़ा आ जाए उहदा गल वख है, भी चखेड़ा आ जाए फिर तो नरमे च भी कुछ नहीं बचता अपने, क्योंकि अपना क्वांटल 2.5 क्वांटल बीघे की जदों खिड़ जाती है उदों ही चुगनी हुंदी है कपाह, या 2 क्वांटल खड़ा सकते हैं अपना। तो इन्ना जे चखेड़ा आ जाए तो नरमे नू भी, नरमा भी बिल्ट आ जाती है, नरमे साट मार जाता है, नरमे का ही वेट लॉस हो जाता है, वो अपना वहम ही है। बाकी अपना ये कपाह तो ही नहीं बीजते भी किसी ने चुगनी नहीं, ये कि गल है भी अपने फसल हो जाए तो वो चुगे बिना या फिर घरे लिजाए बिना रह जूगी, वो अपना वहम ही हुंदा है। आपां इन्ने टाइम क्यों बीटी ते आपां नूं स्प्रेयां पहलां घट करनियां पैंदियां, हुण बीटी ते भी सुंडी वाली स्प्रे तां करनी पैंदी है, फिर सुंडी वाली जदों स्प्रे ही करनी है तां आपां कपाह ते करिए, ते उहदी कोई आपां नूं होर कोई दिक्कत तां है नहीं गी। वाले तों वाला चुगाई वाले रुपया वध लै लैणगे। ते गल करो इहदी भी झाड़ भी बहुत वधिया हुंदा है, ते इहते मेहनत भी नहीं हुंदी गी, माड़े वाहण दे विच भी हो जांदी है, लगातार हर वाहन दे विच भी हो जाती है। आपां इहनूं मुड्ढी भी रख सकते हैं भी इहनूं उपरों उपरों कट के आपां छड्डती अगले साल आपे हो जूगी, तां बहुत ज़्यादा फायदे है देसी कपाह दे, आपां नूं इहनूं लाउणी चाहीदी है। इस वारी बी नहीं मिलिया सी, अगली वारी बी मिल जूगा, तो थोड़ा जिहा पहलां जे आपां कोशिश कर लाँगे तां बी आपां नूं आराम नाल ही मिल जूगा, जां जिहदे देसी कपाह हैगी है आपां उहदे बी तो भी मान लो रूं कढ़ा के बड़ेवें बच जाते हैं वह भी बीज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली गल है नहीं गी। जी हाईब्रिड हैगी है जिमें KR64 आया है, 1 साल तो इनू भी बीज सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली गल नहीं होंगी गी ये, तो यह हो भी जाती है। तो ठीक है किसान वीरों, जो जानकारी चंगी लगी तो शेयर कर दियो, वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक कर दियो, धन्यवाद।